हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चना दाल के वड़ा और ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने 2 कप चना दाल ले लिया है। इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप चाहे तो ओवरनाइट भी भिगा सकते हैं। और ये अच्छी तरह से के फूल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है, देखिए टूट रहा है। तो ये अच्छी से ये भीग चुका है और सॉफ्ट हो चुका है। तो अभी हम इसको ग्राइंडिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्राइंडिंग जार ले लिया है। इसमें हम ये चना दाल को हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। हम पानी ऐड नहीं करेंगे यहाँ पर। पानी से छान करके हम ये इसको डालेंगे ग्राइंडिंग जार में। हमको बिना पानी डाल के इसको पीसना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये थोड़ा सा अलग कर लिया है, इसको हम बाद में ऐड कर लेंगे। थोड़े से चना दाल हम अलग कर लिए हैं। तो अभी हम यहाँ पर डालेंगे नमक। टेस्ट के हिसाब से नमक ले लीजिए। यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये लहसुन की कलियाँ और अदरक। 3 लहसुन की कलियाँ ले लिया है मैंने, अदरक थोड़े से ले लिया है। और यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब जीरा। ये भुना जीरा नहीं है, ये प्लेन वाला जीरा है। इसको भी ऐड करके हम ग्राइंडिंग कर लेंगे। तो इसको हम मैंने दरदरा सा पीस लिया है अच्छे से। इसका स्मूथ पेस्ट इसको नहीं बनाना है, दरदरा से इसको पीस लीजिए। इसमें थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े भी हैं, तो देखिए यहाँ पर बड़ा बड़ा टुकड़ा है। मैं इसको अच्छे से स्मूथ पेस्ट नहीं बनाई हूँ, थोड़ा सा इसको दरदरा मैंने पीसी है। इस तरीके से ये पेस्ट बना लीजिए आप। और इसको हम अभी एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए हम ट्रांसफ़र कर लिया है। अभी हम यहाँ पर डालेंगे ये चना दाल, हम अलग कर लिए थे उसी को हम डाल दे रहेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर मैं 1/2 कप ये धनिया का पत्ता ले लिया है। आप चाहे तो करी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून 1/2 कप यहाँ पर मैं प्याज डाल दी, 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने ये हींग डाल दी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आप चाहे तो यहाँ पर मसाला वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये चावल का आटा। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए वरना स्किप कर लीजिए। इससे वड़े में क्रिस्पीनेस आ जाता है और कुरकुरा बनता है, तो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से। तो ये रेडी हो चुका है, मैंने मिक्स कर लिया है। तो अभी हम इसका वड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर इसका शेप बनाएंगे। तो हाथ में थोड़ा सा मैंने तेल लगा लिया है। इसको थोड़ा सा बैटर हम हाथ में उठाएंगे, इसे इसे गोल गोल करके हम इसका शेप बनाएंगे। और बीच में इसे दबा देंगे, इसका ऐसे चपटा वाला बनाना है आपको वड़ा। आप अपने हिसाब से भी ले बना सकते हैं। तो ऐसे फ्लैट वाला हमको बड़ा बनाना है। तो इस तरीके से हम सारे बड़े को बना लेंगे। थोड़ा सा बैटर हाथ में ले लीजिए, इसे घुमा घुमा कर ऐसे शेप ले लीजिए, गोल वाला शेप। फिर इसको बीच में दबा दीजिए, फ्लैट कर लीजिए। तो ये बड़ा बन के रेडी हो गया है। इस तरीके से हम सारे बड़े को बना लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से बड़े बना चुकी हूँ। अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है। तो अभी हम यहाँ पर डालेंगे ये बड़ा, इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी बने। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये पलट पलट करके इसको फ्राई कर लिया है। इस तरह के से हम पलट पलट करके बीच में फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक लो टू मीडियम फ्लेम पर हमको पकाएंगे ताकि ये क्रिस्पी बनेगा। तो देखिए यहाँ पर कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है, ये अच्छी तरह से पक चुका है। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे टिश्यू पेपर के। तो मैं इसे सारे बड़े को निकाल दे रही हूँ। तो इस तरीके से अब हम सारे बड़े को फ्राई कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे और एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसान है ये बनाना, बड़ा झटपट भी बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं बड़े को निकाल दे रही हूँ। तो ये वड़ा, चना दाल की वड़ा बन के रेडी हो चुका है। ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो अभी मैं दिखाती हूँ, एक वड़ा तोड़ करके दिखाती हूँ कि कैसे बना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही क्रिस्पी बना है ये वड़ा, अंदर से अच्छे से पक चुका है पूरा। चना भी सॉफ्ट हो चुका है, दाल चना दाल सॉफ्ट हो चुका है, बहुत है ये पक चुका है अच्छी तरीके से। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बना है। तो ये आप ग्रीन चटनी के साथ भी ले सकते हैं, इमली की चटनी के साथ भी ले सकते हैं, सॉस के साथ भी ले सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी बना है ये, बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अगर मेरी रेसिपी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।